जय गुरुदेव नमस्ते बच्चों आशा करती हूँ आप सब कुशलपूर्वक होंगे टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर हिंदी थर्ड लैंग्वेज आवर टॉपिक इज़ पेशेवर आज का हमारा विषय है पेशेवर पेशेवर मींस प्रोफेशनल एक व्यक्ति जो अपने काम को करने में माहिर होता है उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं जैसे सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल अ फार्मर कैन डू फार्मिंग ही इज़ द एक्सपर्ट फॉर फार्मिंग इसलिए फार्मर इज़ अ पेशेवर फॉर फार्मिंग यानी खेती किसान हमें तरह तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जैसे तरकारियाँ मीन्स वेजिटेबल अनाज मीन्स ग्रेन फ्रूट्स सो मैनी काइंड ऑफ थिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग अस इसी तरह से बहुत से तरह के पेशेवर होते हैं जैसे कोई मकान बनाता है कोई लकड़ी का सामान बनाता है कोई हमारे लिए सोने के आभूषण बनाता है कोई हमारे लिए कपड़े बनाता है इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कार्य होते हैं जिनको हम तरह तरह के नामों से बताते हैं आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे हमारे प्रोफेशनल प्रोफेशंस एंड प्रोफेशनल मीन्स ऐसा कौन सा कार्य जो स्पेसिफिक पर्सन करता है उसको हम क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक कार्य करना इस पेशा करने वाला इस पेशेवर चलिए आज हम अपने पहला पार्ट शुरू करते हैं ये इसमें हमने एक पिक्चर किसान की ली है जो कि खेती करता हुआ दिखाई दे रहा है मैं अब पाठ पढ़ने जा रही हूँ आप भी देखिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान इस मीन्स वी नीड ओनली थ्री थिंग्स टू लीव फर्स्ट इज रोटी ब्रेड फूड कपड़ा क्लोथ और मकान होम टू स्टे अनाज तरकारी आदि खाने की चीज़ें हमें किसान देते हैं वाट द फार्मर प्रोवाइडर्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अनाज ग्रेंड एंड तरकारी तरकारी मीन्स वेजिटेबल विच काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग देर मोस्ट पोवर्डली हु इज प्रोवाइडिंग ओनली फार्मर गाँव में किसान रहते हैं वे देव्ड दे लिव्ड इन अलेज वे पहले खेत जोतते हैं बीज बोते हैं और पानी सींचते हैं फर्स्ट वाट दे आर डूइंग फर्स्ट दे आर प्लोइंग द फील्ड देन दे सॉफ द सीड आफ्टर दैट दे गोइंग टू इरीगेट मीन्स दे आर पुटिंग द वॉटर इन द फील्ड बाद को वे फसल काटते हैं आफ्टर डूइंग द ऑल द थिंग्स द क्रॉप ग्रोइंग अप एंड रेडी टू कट दैट टाइम दे आर गोइंग टू कट अनाज को गाड़ियों में लाद कर बाजार में भेजते हैं अनाज मीन्स ग्रेन विच काइंड ऑफ ग्रेन द फार्मर ग्रोइंग अप दे आर कटिंग एंड कीपिंग इन अ ट्रक एंड वेयर दे आर ब्रिंगिंग दे आर ब्रिंगिंग इन मार्केट वहाँ से हम अनाज खरीदते हैं एंड वी आर गोइंग टू बाई दिस काइंड ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द मार्केट ही किसान तरकारी भी पैदा करते हैं आल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट वेजिटेबल तरकारी वेजिटेबल आगे पढ़ते हुए मकान बनाने वाले को राज कहते हैं हु इज गोइंग टू बुल्ड अ बिल्डिंग वट वी हैव टू से इन हिंदी राज राज ईट और सीमेंट से मकान बनाते हैं विद द हेल्प दे आर बुल्डिंग बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट बढ़ई लकड़ी की चीजें बनाते हैं बढ़ई मीन्स कारपेंटर वट दे आर डूइंग दे आर गोइंग टू मेक अ वुड थिंग्स जैसे आप सब लोग घर पर रहते हैं आपने देखा होगा आपके चारों तरफ वॉल है दे मेड बाई द ब्रिक एंड कॉन्क्रीट या सीमेंट एंड सो मैनी स्टफ यू कैन सी इन योर हाउस लाइक के विंडो खिड़की गेट दरवाजा मेज टेबल कुर्सी चेयर तो राज हमारा घर यानी बिल्डिंग बनाते हैं और बढ़ई उसके अंदर लगने वाली खिड़कियाँ दरवाजे मेज कुर्सी आदि बनाकर देते हैं मकान बनाने में राज और बड़ई हमारी मदद करते हैं हु इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू मेक अ बिल्डिंग महाराज एंड बढ़ई कार पेंटर आगे चलते हुए हम पढ़ते हैं हमने पहनने के लिए कपड़े चाहिए वॉट वी नीड टू वेयर वी नीड टू वेयर क्लोथ हाउ यू कैन गेट क्लोथ लेट्स रीड ये कपड़े कहाँ से आते हैं पहले किसान खेती में कपास पैदा करते हैं कपास इज अ रॉ कॉटन हैव यू सीन एनी फ्लॉर माइट पी समी करेक्ट इकाइंड ऑफ फ्लावर्स हैविंग सम रॉ कॉटन इन साइड डेट तो वट दे आर ग्रोइंग फर्स्ट द फार्मर ग्रोइंग फर्स्ट कपास आफ्टर डैट वे कपास से रुई रुई से धागा और धागे से कपड़ा बनाते हैं आफ्टर डैट दे आर मेकिंग द कपास इन अ कॉटन एंड कॉटन मेकिंग इन द्रेड एंड थ्रेड टर्निंग इन द क्लोथ कपड़े बुनने वालों को जुलाहा कहते हैं वट वी आर सीइंग हु इज मेकिंग द क्लोथ जुलाहा वी वर्ड ये करघो पर कपड़ा बुनते हैं करघो मीन्स अ वन काइंड ऑफ द वुड स्टीच एनी वन सी हैंडलूम फैक्ट्री या एनी वन सी आई होप समर आबर हैविंग द वुड साचा एंड देर आर प्रेसिंग एंड द वीविंग द क्लोथ दिस इज नॉन एज करगरा रोटी कपड़ा और मकान के अलावा हमें बर्तन और आभूषण भी चाहिए दिस रोटी कपड़ा मकान ये तो हमारी डेली की जरूरतें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए इसके अलावा हमें क्या चाहिए आभूषण ज्वेलरी बर्तन वेसल। हम कैसे खाना खाएंगे एंड द लेडीज वॉन्स टू ड्रेसअप हाउ दे ड्रेसअपेयरिंग द ज्वेलरी आभूषण बनाने वाले को सुनार कहते हैं हु इज़ गोइंग टू मेक आभूषण मीन्स ज्वेलरी वट वी हैव टू से गोल्ड स्मिथ सोनार मीन्स गोल्ड स्मिथ सोनार सोने के कंगन जंजीर अंगूठी आदि बनाते हैं गोल्ड इज मीन्स गोइंग टू मेक कंगन मीन्स बैंगल जंजीर चैन अंगूठी रिंग दिस ऑल थिंग्स दे आर मेकिंग गोल्ड स्मिथ वे चांदी से थाली ग्लास आदि बनाते हैं दे आर गोइंग टू सिल्वर प्लेट्स एंड आल्सो लोहार भी हमारे काम के हैं लोहार मीन्स ब्लैक स्मिथ लोहार लोहे के सामान बनाते हैं ब्लैक स्मिथ इज मेकिंग द आयरन थिंग्स किसान राज भड़ई जुलाया सोनार लोहार आदि पेशेवर हैं दिज ऑल द नेम किसान फार्मर मैंसन कारपेंटर वीवोर गोल्ड स्मिथ ब्लैक स्मिथ दीज ऑल द प्रोफेशनल ये हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं दे आर हेल्पिंग टू मेक अवर लाइफ इज हैप्पी तो बच्चों आज हमने इस पाठ में पेशेवरों के बारे में पढ़ा है मैं समझती हूँ कि आप लोग और भी अन्य पेशेवरों को जानते होंगे जैसे जूता बनाने वाला कपड़े सीने वाला आप इन सब के नाम जरूर लान छूटने का प्रयास करना आशा करती हूँ आप सब लोग इस स्टोरी को एक बार और पढ़ेंगे और समझेंगे आगे फिर हम मिलेंगे अगली कक्षा में धन्यवाद